अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कोरोना कहर से अभी निजात मिलती दिख नहीं रही है, लेकिन इस बीच भारत में टिड्डियों का बड़ा हमला हो गया है। पाकिस्तान से निकली इन टिड्डियों ने पहले जयपुर पर हमला किया है। जयपुर के लोग इनकी संख्या देख आश्चर्यचकित हैं। कुछ कहते वह करते नहीं बन पा रहा है। जयपुर के बाद अब इन टिड्डियों ने उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ कर ली है। झांसी तक ये आ पहुंची है। ग्रास हॉपर कही जाने वाली इस प्रजाति से फसल व पेड़ पौधों को तो भारी नुकसान होगा ही, लेकिन इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि यह कोरोना संक्रमण के वाहक भी हो सकती हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं वे विचलित करते हैं। राजस्थान में टिड्डियों का हमला जारी है। राज्य में जगह जगह इनके द्वारा फसलें चट की जा रही हैं। मंगलवार को हनुमानगढ़ के पास पीली बग्गा में इन्होंने हमला किया। किसानों व नागरिकों ने थाली, पीपे और बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वहीं जयपुर के आसपास चौमू, आमेर व झोटवाड़ा में भी टिड्डियों का दल देखा गया। राजस्थान में करीब 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल पर टिड्डियों का प्रभाव हो चुका है। पिछले साल प्रदेश के 12 जिलों पर टिड्डियों ने हमला किया था। इस बार 21 जिलों में टिड्डियों का प्रभाव देखा जा रहा है। इसमें अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी, सीकर, जयपुर और दौसा भी शामिल हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश के कई इलाकों की फसल चट करने के बाद अब टिड्डी दल यूपी के झांसी में भी दाखिल हो गया है। केंद्र सरकार के संगठन टिड्डी दल चेतावनी संस्थान यानी लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने टिड्डी दल के एक और हमले की चेतावनी दी है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।